जला दो करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। सब हो एक समान जगत में कोई ना रहे भिखारी। एक बार माँ वसुंधरा को नौ श्रृंगार करा दो करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। दरिद्रता नाश करो मानव के कष्ट मिटा दो अमृत की वर्षा बरसा कर भूख की आग मिटा दो खेतों में हरियाली भर दो ज्ञान के ढेर लगा दो करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो करुणा निधान भगवान मेरे भारत को स्वर्ग बना दो। भारत को स्वर्ग बना दो। भारत को स्वर्ग बना दो। शपथ के लिए तैयार हूँ, भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है, हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने के लिए सदा प्रयत्नशील रहेंगे, हम अपने माता पिता गुरुजनों एवं सभी बड़ों का सदा सम्मान करेंगे और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों की निष्ठापूर्वक सेवा करने की प्रतिज्ञा करते हैं, उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। सुप्रभात दोस्तों, मैं अपनी कक्षा 7 से आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज के राष्ट्रीय समाचार के साथ। बैंक खातों में 10 साल से नहीं हुआ ट्रांजेक्शन, फिर निकल सकती है आपकी जमा रकम। आभूषण खरीद के लिए कार भी आईसी केवल अधिक मूल्य की खरीद पर ही जरूरी है। महाराष्ट्र भंडार के अस्पताल में हादसा, जिंदा जल गए 10 नौजवान। पीएम मोदी को हुआ जताया दुख। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, मैं तेजस्विनी शुक्ला रमन सदन की ओर से प्रस्तुत हूँ कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में घुसे ट्रंप समर्थकों की भीड़, पुलिस से हिंसक झड़प, चार की मौत।
ऑस्ट्रेलिया में यूके के कोरोना स्ट्रेन का मामला, ब्रिस्बेन में 3 दिन का लॉकडाउन। ट्रंप समर्थकों के उपद्रव के बीच यूएस कैपिटल चीफ ने दिया इस्तीफा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो। मैं एरिजोना कक्षा 7 से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ व्यापार समाचार के साथ। पहला, LIC ने बंद पॉलिसी को दिया फिर शुरू होने का एक और मौका। दूसरा, एलन मार्क्स बने दुनिया के सबसे अमीर सर, जेफ बेबस को भी छोड़ा पीछे। तीसरा, पेट्रोल का कीमत हुआ 100 रुपए लीटर, डीजल भी बना रही है रिकॉर्ड। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय। शुभ प्रभात मित्रों, मैं दीक्षा मिश्रा कक्षा 8 ज से आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज कुछ प्रश्नों के साथ। तो चलिए आज आपका और हमारा ज्यादा समय जया ना करते हुए आज प्रश्नों की पूछताछ शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ आके बसे थे? आर्य भारत में कहाँ आके बसे थे? हमारे विकल्प हैं बांग्लादेश, विकल्प दूसरा है पाकिस्तान, हमारा तीसरा विकल्प है सिंधु घाटी। इन सब विकल्पों में से हमारा सही उत्तर है सिंधु घाटी। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस से लिया गया है? हमारा पहला विकल्प है यजुर्वेद, हमारा दूसरा विकल्प है अर्थवेद, हमारा तीसरा विकल्प है सामवेद, हमारा चौथा विकल्प है ऋग्वेद। इन सब विकल्पों में से हमारा सही उत्तर है ऋग्वेद। हमारा तीसरा प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? मैं फिर से दोहराती हूँ, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, दूसरा विकल्प है ऋग्वेद, हमारा तीसरा विकल्प है सामवेद, चौथा विकल्प है अर्थवेद। हमारा सही उत्तर है ऋग्वेद। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत का सबसे पहला खोदा जाने वाला शहर कौन सा है? मैं फिर से दोहराती हूँ, भारत का सबसे पहला खोदा जाने वाला शहर कौन सा है? हमारा पहला विकल्प है पाकिस्तान, हमारा दूसरा विकल्प है पंजाब, हमारा तीसरा विकल्प है मोहनजोदड़ो, हमारा चौथा विकल्प है हड़प्पा। इन सारे विकल्पों में से हमारा सही उत्तर है हड़प्पा। हमारा पांचवा प्रश्न है, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित है? देवी माँ की पूजा किससे संबंधित है? हमारा पहला विकल्प है सिंधु घाटी सभ्यता से, हमारा दूसरा विकल्प है भूमध्य सागरीय सभ्यता से, हमारा तीसरा विकल्प है आर्य सभ्यता से, हमारा चौथा विकल्प है वैदिक सभ्यता से। इन सारे विकल्पों में से हमारा सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता से। हमारा छठा प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? हमारा छठा प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? हमारा पहला विकल्प है ग्रामीण सभ्यता, हमारा दूसरा विकल्प है नागरीय सभ्यता, हमारा चौथा विकल्प है रोपड़ और हमारा चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। हमारे छठे प्रश्न का सही उत्तर है ग्रामीण सभ्यता। हमारा सातवां प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी? हमारा सातवां प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी? हमारा पहला विकल्प है हिंदी, हमारा दूसरा विकल्प है संस्कृत, हमारा तीसरा विकल्प है अरबी, हमारा चौथा विकल्प है सिंधी। इन सब विकल्पों में से हमारा सही उत्तर है संस्कृत। हमारा आठवां प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया है? वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? हमारा पहला विकल्प है लोहा, हमारा दूसरा विकल्प है तांबा, हमारा तीसरा विकल्प है पीतल, हमारा चौथा विकल्प है चांदी। इन सारे विकल्पों में से हमारा सही उत्तर है तांबा। हमारा नवा प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैं फिर से दोहराती हूँ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारा पहला विकल्प है श्रेष्ठ या कुलीन, हमारा दूसरा विकल्प है वीर या योद्धा, हमारा तीसरा विकल्प है यज्ञकर्ता या पुरोहित, हमारा चौथा विकल्प है विद्वान। इन सारे विकल्पों में से हमारा सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन।
तो चलिए मैं दीक्षा मिश्रा इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, अगली प्रार्थना सभा में फिर मिलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सुधांशु यादव है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अनुशासन का महत्व विषय पर एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अनुशासन जीवन के हर पड़ाव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सफल व्यक्ति बनने के लिए जीवन में अनुशासन ही एकमात्र साधन है। सभी महान व्यक्तियों ने एक अनुशासित और नियमित जीवन व्यतीत किया, इसीलिए वे अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सके। नियमों का पालन ही अनुशासन का दूसरा नाम है। अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए और जीवन में सफल बनने के लिए हमें समय की पाबंदी को भी ध्यान रखना होगा। जो व्यक्ति ठीक समय पर उपस्थित नहीं हो सकता, वह अपने जीवन का कार्य ठीक समय पर कैसे पूरा कर सकता है। ध्यान रखें कि जीवन में किसी दिन सुख मिलता है और किसी दिन दुख, लेकिन अनुशासित व्यक्ति सुख के समय कभी भी बुरा घमंडी बनकर दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता और दुख के समय दूसरों निराश ना होकर हौसले के साथ अपना काम करता रहता है। हमें अनुशासन का पालन हर जगह करना चाहिए, चाहे हम स्कूल, कार्यालय, संस्थान, कार्यालय या किसी भी खेल के मैदान या अन्य स्थानों पर हों। हमें अनुशासन का पालन हर जगह करते रहना चाहिए। अपने बड़ों का, श्रेष्ठ अधिकारियों का और अपने से बड़े लोगों का पालन, आदेशों का पालन करना अनुशासन का ही एक अंग है। अनुशासनहीनता से जीवन में शांति और प्रगति नहीं होती है, इससे जीवन में भ्रम और विकार पैदा। इतनी सी हंसी,
चांद का ख्वाब के इंतजार।